नोट करो, दोबारा समझाता हूँ फिर मैं एक बार, दोबारा समझो। देखो ये पहले पूरा अर्थ था, ये पूरा अर्थ, ये पूरा अर्थ था, और इस अर्थ का रेडियस कितना था, आर ई। ठीक है, हमें पता है कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। जी क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटी, एम अर्थ का मास, और आर उस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, अर्थ के सेंटर से। डिस्टेंस कहां से लेनी, अर्थ के सेंटर से। तो ये जो अभी स्मॉल आर किसके बराबर है, अर्थ के रेडियस के बराबर, जब सरफेस पे लेंगे तो जी अर्थ का मतलब जी सरफेस पे लूंगा तो जी रहेगा, अर्थ का मास आएगा और डिस्टेंस कितनी है, आर ई। ठीक है, अब चूंकि पिछले वाले में मैंने एम ई को चेंज नहीं किया था डेंसिटी में, क्यों नहीं चेंज किया था, क्योंकि पहले अर्थ थी और बाहर गए थे तब भी पूरी अर्थ थी, लेकिन अब जब अंदर जाऊंगा तो अंदर क्योंकि पूरी अर्थ नहीं रहेगी, ये दूसरा अंदर वाला गोला रह जाएगा, इस वजह से मुझे डेंसिटी लेनी पड़ी। तो डेंस मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी कितनी, रो, यहां पर रख दिया। ये देखो आर ई स्क्वायर से आर ई बार कट गए, तो ये बच गया फर्स्ट इक्वेशन। जब डेप्थ पर जाऊंगा तो अब जी, तो जी रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है। चेंज किसमें होगा, मास में। पहले पूरी अर्थ का मास लिया था यहां पर, अब पूरी अर्थ का मास नहीं लेकर के उस स्फीयर का मास होगा जो आर ई माइनस डी रेडियस से था। तो आर ई माइनस डी रेडियस का कितना है, 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब रो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और नीचे डिस्टेंस कितनी, वही आर ई माइनस डी। तो ये इससे कट गया, कितनी बार कट गया, आर ई माइनस डी बार कट गया। ठीक है भाई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके हम देखेंगे कि यहां पर जो जी की वैल्यू कम हो रही है, देखो कि जी डी इज इक्वल टू जी ई टाइम्स जी ई डी बाई आर ई। इस जी ई में से अर्थ की वैल्यू में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब जी डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो 8 वॉट डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी remains half of the value at surface। हमसे पूछा है किस डेप्थ में जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हाफ रह जाएगा। किसका हाफ रह जाएगा, जो अर्थ के सरफेस पर है उसकी वैल्यू का हाफ रह जाएगा। ठीक है भाई, चलो सुनो ध्यान से। हमने पढ़ा अभी कि जी डेप्थ इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 - h/re या d/re। तो ये d हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब कंडीशन क्या है कि जी डेप्थ g का हाफ है, यानी कि हाफ ऑफ g इज इक्वल टू g टाइम्स 1 - d/re। g से g कैंसिल हो गया, देखो तो d/re इज इक्वल टू 1 - half, दैट इज हाफ। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 2re, यानी कि अर्थ की, सॉरी re बाई 2, मतलब अर्थ की रेडियस से हाफ पर चले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। नोट करो जरा, अब यहां से आपसे कोई पूछता है कि अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या रह जाएगी, तो सेंटर पर डी क्या हो जाएगा, आर ई के बराबर हो जाएगा। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पर जो जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अर्थ के सेंटर से जे 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 जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, मतलब पहले बढ़ती है अर्थ तक, सरफेस तक, उसके बाद में फिर ऊपर जाते हैं तो कम होती जाती है। हो गया, नोट कर लिया, ओम
सर एक बार रिपीट करो। यस सर। हाँ, हमने क्या किया, अपन कह रहे हैं कि किस हाइट किस डेप्थ पे जाकर के जी की वैल्यू हाफ रह जाएगी। इधर देख, ये डेप्थ पर वैल्यू है और हमसे कह रहा है कि इस वैल्यू का हाफ कब रह जाएगा। तो डेप्थ की जगह क्या लिख दिया अपने, हाफ ऑफ जी, और इसको सोल्व करके डी की वैल्यू निकाल ली तो आर ई बाई टू। इसका मतलब अर्थ की रेडियस की आधी डिस्टेंस पर अगर अपन डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। तीसरा कंसेप्ट लिखो। दो कंसेप्ट हो गए कि हाइट पर जाते हैं जब भी जी कम होता है, डेप्थ में जाते हैं जब भी जी कम होता है, लेकिन अलग अलग रेशियो में कम होता है। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, तीसरा कंसेप्ट। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, देखो अर्थ का शेप क्या है, कंप्लीट स्फीयर नहीं होकर के ऊपर से कुछ चपटा होता है। मान लो ये पोल है, ये इक्वेटर है, तो रेडियस कहां ज्यादा है, पोल पर ज्यादा है इक्वेटर पे ज्यादा है? रेडियस कहां ज्यादा है बेटा, इक्वेटर पर। इसका मतलब आर इक्वेटर, ये आर पी, तो आर इक्वेटर जो है वो ग्रेटर देन है आर पी से, ठीक है ना। एज द रेडियस ऑफ अर्थ इज स्लाइटली, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज स्लाइटली ग्रेटर देन द रेडियस एट पोल, यानी कि आर ई ग्रेटर देन आर पी, सिंस जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि अगर आर ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ बेटा, आर ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम होगी। अब चूंकि आर ज्यादा कहां है, इक्वेटर पर, आर ज्यादा कहां है इक्वेटर पर, तो जहां पर आर ज्यादा होगा वहां पर जी की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होगी, पोल पर रेडियस कम है इसलिए वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी। देयरफॉर चूंकि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इसलिए जी एट अर्थ जी एट इक्वेटर लेस देन जी एट पोल। इसका मतलब पोल से इफ वी मूव, मैंने लिखा भी था पहले, फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज, और अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। तो ये है तीसरा कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ का मतलब क्या हो गया कि पोल पर जो रेडियस होती है वो कम होती है, इक्वेटर पर जो रेडियस होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, और चूंकि जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, आर ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम होगी, तो चूंकि जी की वैल्यू इक्वेटर, सॉरी आर की वैल्यू इक्वेटर पर ज्यादा है इसलिए इक्वेटर जी की वैल्यू कम होगी, या यूं बोलो कि जब इक्वेटर से पोल की तरफ हम जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ गए, नोट करो जरा। यस सर। यस सर। फोर्थ पॉइंट लिखो। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ,
वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इसमें से थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी क्योंकि आप कहां ढूंढोगे, मैं लिखवा देता हूं यहीं पे। देखो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पहले कंसेप्ट समझो इसका कि जो ग्लोब होता है आपने देखा होगा ग्लोब स्कूल्स में रखा हुआ, वो ग्लोब ऐसे ऐसे रोटेशन करता है। अर्थ दो तरह की मोशन करती है बेटा, एक मोशन तो करती ऐसे करके अर्थ सन के आसपास ऐसे चक्कर लगाती इलिप्टिकल ऐसे, तो ये तो होगी अर्थ की सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होता है क्या सिखाया था मैंने, 365 डेज। दूसरी मोशन अर्थ करती अपनी एक्सिस पर, अपनी एक्सिस पर ऐसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती करती अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो दो तरह की मोशन हमेशा करती है अर्थ, तो अर्थ की सर्कुलर मोशन से तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्थ की रोटेशन से हम भी हम अगर देखें, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस है बहुत बड़ी है, हम छोटे छोटे पिन्नी से हैं, हम छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो अर्थ पर अर्थ की सरफेस पर बैठे बैठे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अर्थ के साथ साथ। अर्थ तो रोटेशनल मोशन कर रही है, अर्थ कौन सी मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है अपने एक्सिस पर। और अर्थ के सरफेस पर जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई जीव जंतु है चाहे वो कोई चीजें हैं, सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और आपको मैंने सिखाया था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फील्ड अवेलेबल कराएगा जिस फील्ड में वो मोशन कर रही है। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी चीज का जो वेट होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स अर्थ जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती किसी चीज को, वो उस चीज का वेट होता है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल कराएगा तो क्या होगा, उसके वेट में कमी हो जाएगी। और वेट क्या होता है, एम जी, एम में तो कुछ हो नहीं सकता, तो किसमें कमी हो जाएगी, जी की वैल्यू में भी कमी हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मैं लिखता हूं, आप इसको नोट भी करो, मैं बोलता जा रहा हूं लिखता जा रहा हूं, तो नोट करो कि द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। With constant angular velocity, all the objects on surface of Earth are revolving around axis of Earth in different circular orbits. Necessary centripetal force is provided by weight of the body hence g decreases. इसलिए रोटेशनल मोशन के कारण, अर्थ की रोटेशनल मोशन के कारण भी g डिक्रीज होता है। मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, एक बार जिसका छूट गया हो लिख लो कि द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस with constant angular velocity, all the objects on surface of earth are revolving around axis of earth in different circular orbits. Necessary centripetal force is provided by the weight of the body, hence g decreases. Kyunki weight ka kuch part us object ko necessary centripetal force available karane mein kharch ho jata hai, isliye
उसका वेट डिक्रीज हो जाता है, और वेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, फिर उसकी जीबी डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ये सारी चीजें अपन मैथमेटिक्स से समझने की कोशिश करते हैं कि मैथ्स क्या बोलते हैं इसमें। देखो ये अर्थ है, ठीक, ये मैंने थोड़ी सी ठीक सी नहीं बनी है, देखो ये अर्थ का पोल है, ये इक्वेटर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ये इसका वेट है, ठीक है। ये सेंट्रिपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर बताया था मैंने, याद करो एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, वी की जगह आर ओमेगा लिख दूंगा तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये इसका लेटिट्यूड एंगल अगर मैं बोलूं, ये आर रेडियस है, ये आर ई है, ये अगर लेमडा है तो ये क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस ऑफ लेमडा, ठीक है। अच्छा भाई स्मॉल आर और कैपिटल आर में अपन रिलेशन निकाल सकते हैं, लैम्डा है तो ये भी लैम्डा, तो आर बाई आर ई इज इक्वल टू कोस लैम्डा, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई कोस लैम्डा। तो देखो वेट में क्या कमी होगी कि डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, आर की जगह आर ई कोस लैम्डा लिख रहा हूं, तो W dash is equal to W minus M R E omega square cos square lambda। ये वेट में क्या, मुझे ये वर्चुअल वेट है, ये रियल वेट है, और M R E omega square cos square lambda ये क्या है, उसमें कमी, निकले बेटा। देखो तो अभी क्या है, कहां गया वो, इसका मतलब वेट जो है, वेट क्या होता है हमारा, mg होता है ना, अब वेट mg होता है, m में तो कभी चेंज आता नहीं है, m में चेंज आता है तब कोई पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी भी ज्यादा वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो फिर m में चेंज आता है, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है ना। तो m में तो चेंज होगा नहीं, तो किसमें चेंज होगा, g में। अच्छा वेट, वेट में कम क्यों हो रहा है, वेट कम क्यों हो रहा है, देखो इस सेंट्रिपिटल फोर्स का एक कंपोनेंट अवेलेबल कराना पड़ेगा वेट को, जब वेट इस कंपोनेंट को अवेलेबल करेगा तो वेट में कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो वेट में कमी होगी तो जी में, अब डब्ल्यू डैश की जगह मैं क्या लिखूंगा बताओ, एम जी डैश, डब्ल्यू की जगह क्या लिखूंगा, एम जी माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा, एम कॉमन लेके कट गया सबसे, देखो तो क्या बचा, g dash is equal to g minus r e omega square cos square lambda, इतनी कमी हो जाएगी g में। ये अर्थ के सरफेस पर है और ये इसमें से माइनस हो रहा है, इसका मतलब इस फैक्टर के बराबर हर चीज के वेट में लगातार कमी होती है लेकिन हमें वो महसूस नहीं होती है। हम खुद सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, हम सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वो अलग बात है कि अर्थ इतनी बड़ी इसलिए अपन को पता नहीं पड़ता। चींटी अगर अपने सिर पर चलती रही तो चींटी को पता नहीं पड़ता ना कि हम कौन से मोशन कर रहे हैं, हम लीनियर मोशन कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, कर्वी लीनियर मोशन कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं, रोलिंग मोशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चींटी तो चल रही है अपने आप, चींटी को तो होश भी नहीं है कि हम कौन कौन से मोशन कर रहे हैं। तो अर्थ लगातार रोटेशनल मोशन कर रही है और हम लगातार सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अर्थ के चारों ओर, लेकिन हमें महसूस नहीं होता क्योंकि इट्स ए लार्ज अर्थ, बहुत बिग है, इसे हमें पता नहीं पड़ता है, लेकिन मोशन तो हो रही है, और मोशन हो रही, जब भी सर्कुलर मोशन करेगा कोई भी पार्टिकल उसको क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रिपिटल फोर्स उसको अवेलेबल कराना पड़ेगा जिस फील्ड में हम चल रहे हैं। अगर कोई मैं पत्थर बांध दूं धागे से और उसको घुमाऊंगा तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन अवेलेबल कराएगा, टेंशन अवेलेबल कराएगा। कोई अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराए तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल मूव कराए तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा, मैग्नेटिक फोर्स देगा।
क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स में ग्रेविटेशन फोर्स वेट के बराबर है, तो अभी मेरे को सेंट्रीपेटल फोर्स कौन अवेलेबल कराएगा? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? जिस फोर्स से अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है, और जिस फोर्स से अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है हमारा वेट है। तो जब मैं सर्कुलर मोशन करूंगा मेरा वेट ही, मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा उसको सेंट्रीपेटल फोर्स, तो इसका मतलब मेरे वेट में कमी होना चाहिए, और वेट में कमी होगी, वेट डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन के ऊपर। मास में तो चेंज हो नहीं सकता, मेरा कुछ यहां से कुछ निकल करके गिर नहीं सकता, इसका मतलब क्या होगा? क्या कम होगा? जी कम होगा। तो जब अर्थ रोटेशनल मोशन करती है तो जी की वैल्यू में कमी होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि अलग अलग जी की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग जगह तो जी की वैल्यू में वो अलग अलग। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ये लैम्डा, अभी ये लैम्डा बन रहा है, लैम्डा को जीरो कर दूंगा, ये लैम्डा, ये भी लैम्डा। सर आवाज नहीं आ रही है सर। पार्टिकल कहां आ जाएगा इक्वेटर पर? एक इक्वेटर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा जीरो को देख जी डैश क्या आएगा? जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो जी माइनस जी आर ये इक्वेटर पर चेंज। पोल पर एक पोल पर ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? यहां से यहां चला जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर लेटिट्यूड एंगल 90 डिग्री हो गया इसका मतलब क्या होगा? जी डैश इज इक्वल टू जी क्योंकि cos cos स्क्वायर 90 क्या हो गया जी। पोल पर जो जी की वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है मैं कि पोल पर जो जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, चलो कुछ गेस्ट आए मेरे, आज बंद कर रहा हूँ, नोट कर लो इसको, स्क्रीन चालू है भी थोड़ी देर।